नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स और मैं हूं संगीता सिंह। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 100 दिन पहले यानी 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ ली थी। सरकार ने इन 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले लिए। सरकार के इन फैसलों ने जहां देशवासियों का दिल जीता, वहीं पड़ोसी मुल्क को बेचैन करने का काम भी किया है। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम सरकार के 100 दिनों में लिए गए ऐसे ही ऐतिहासिक और कड़े फैसलों के बारे में बताएंगे, जिनका देश और दुनिया पर गहरा असर पड़ने वाला है। कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को खत्म किया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इन्हीं 100 दिनों में हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक विधान और एक निशान लागू हो गया है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया। इस तरह से 1 अगस्त से 3 तलाक देना कानूनन जुर्म बन गया और जेल जाने का प्रावधान भी इस कानून में शामिल किया गया है। मोटर व्हीकल कानून को किया सख्त। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रैफिक नियमों को कड़ा बनाने और सड़क हादसों को रोकने के लिए देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किया। इस सख्त कानून के तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं। मोदी सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है, ताकि वाहन चालक नियमों का पालन करें और हादसों में कमी आए। आतंकवाद पर UAPA एक्ट का कोड़ा। नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए UAPA एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2019 को संसद से अमलीजामा पहनाया। नया UAPA कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी शख्स को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। हाल ही में UAPA कानून के तहत मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया है। नया कानून NIA को आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार भी देता है। बैंकों के विलय का फैसला। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने 10 सरकारी बैंकों के विलय करके 4 बड़े बैंकों को बनाने का ऐलान किया है। इस विलय से बैंकों को बढ़ते NPA से राहत मिलेगा, साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जल शक्ति मंत्रालय का गठन। सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जल संसाधन एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। देश के हर भारतीय नागरिक को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल शक्ति अभियान के तहत 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है। जिन जगहों पर जल स्तर नीचे है, उन जगहों की पहचान की जाएगी। हर घर में हर नल में पानी पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, साथ ही इसके जरिए जल संरक्षण और जल संचयन का लक्ष्य भी रखा गया है। मोदी सरकार का मिशन फिट इंडिया। नरेंद्र मोदी सरकार देश की जनता को फिट रखने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल, कॉलेजों, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस मूवमेंट को मिशन की तरह चलाया जाएगा। फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय आपसी तालमेल से काम करेंगे और उनकी रूपरेखा तैयार करेंगे। नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी NRC असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए बनाई गई एक सूची है, जिसका मकसद राज्य में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना है। इसकी पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है, जिसके तहत रजिस्टर में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो 25 मार्च 1971 के पहले असम के नागरिक हैं और या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं।
हाल ही में जारी हुई एनआरसी की आखिरी लिस्ट में असम के 19 लाख से ज्यादा नागरिकों के नाम नहीं है जिनके पास अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए 120 दिनों का वक्त दिया गया है। पीएम सम्मान योजना की राशि बढ़ी। मोदी सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में ही किसानों को किया अपना वादा भी पूरा किया। सत्ता संभालने के बाद ही पहली कैबिनेट मीटिंग में किसान सम्मान योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत देश के 15 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 6000 रुपए दिए जा रहे हैं। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन। सरकार ने छोटे दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और अपना कारोबार करने वालों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3000 रुपए महीना पेंशन दी जा रही है। सरकार के इन फैसलों की दुनिया भर में काफी सराहना हो रही है। हालांकि कुछ कड़े फैसलों की वजह से सरकार को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की ही तरह हमारी भी यही उम्मीद है कि सरकार के इन ऐतिहासिक और कड़े फैसलों से देश की दशा और दिशा बदलेगी और देश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।